हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ मखाना बर्फ़ी, जिसे केवल 10 से 15 मिनट में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे। बिना मावा, बिना देसी घी और बिना चाशनी के ये बर्फ़ी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल या व्रत में खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मखाना बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मखाना। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं। अगर आप कप से नापें तो 2 कप होंगे। अब इन्हें मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। एक पैन में आप बिना घी डाले इन्हें ड्राई रोस्ट कर लें जब तक कि ये क्रिस्प नहीं हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं, बट मैं बना रही हूँ बिना घी के, इसलिए इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये क्रिस्प हो जाएंगे इन्हें निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसी पैन में मैं रोस्ट करूंगी पीनट्स। तो मैंने 1/3 कप पीनट लिया। इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इसका छिलका नहीं निकलने लगे। आप चाहें तो इसकी जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं 1/3 कप। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी निकाल के साइड में रख देंगे और इसके छिलके निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास दूध। तो यहाँ पे मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ और इसके साथ में मलाई भी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने 1.5 गिलास दूध में थोड़ा मलाई डाल दिया, 1/2 कप इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको बॉईल करेंगे हम हाई फ्लेम पर। जैसे ही इसमें बॉईल आने लग जाएगा, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गैस का फ्लेम एकदम सिम कर दें और अब इसे थोड़ा सा पकने दें 10 मिनट के लिए। जैसे ही ये पक जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, हम यहाँ पे हीट ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो मैंने एक लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें जो मखाने हमने रोस्ट किए थे उसको ऐड करेंगे। साथ ही में जो पीनट ली थी इनका छिलका निकाल दिया, वो भी ऐड कर लेंगे। और पल्स मोड पे कुछ इस तरह का हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने तैयार किया, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब इस एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कोकोनट पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब जो दूध हमने बंद कर दिया था गैस, उसका गैस ऑन करेंगे और इसमें ठंडे में ही इस पाउडर को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पे इसको मिला दिया है और धीरे धीरे गैस भी ऑन कर दिया, हल्का हल्का गर्म होने लगा है। जैसे जैसे हम इसे मिलाते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। धीरे धीरे ये पैन छोड़ने लगेगा और एकदम डो जैसा बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल पैन छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और उसको उतार लेंगे उस प्लेट में। और अब इसे थाली में इस तरह से स्पैचुला की मदद से पूरा इसको फैला लेंगे और इसे प्लेन कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ हमने इसे प्लेन कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल के यहाँ पे गार्निशिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक बेलन लेके इसको चला दीजिए जिससे कि ये इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद हम इसकी बर्फ़ी कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। बहुत ही अमेजिंग ये बर्फ़ी बनती है, एकदम सॉफ्ट और टू मच टेस्टी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप एक बार खाएंगे बार बार बना के खाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और सबसे बड़ी बात, आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे या किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है ये बर्फ़ी, और बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाइएगा, आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए Take care, bye-bye, and thank you for watching my channel.